हिमाचल प्रदेश के दो दो इलाकों में बादल फटे तो हालात भयावह हो गए। कुल्लू में नदी की धार में घर बार सब कुछ बह गए तो चंबा में नदी नाले के शोर ने सांसों को भी थाम लिया। ये तबाही नहीं तो क्या है, उफनती गरजती शोर मचाती नदी, लहरों की धार इतनी जोरदार कि कोई न टिक पाए, सैलाब की ऐसी मार कि कुछ भी बिखर जाए, चकनाचूर होती चट्टाने, टूट टूट कर बिखरते पहाड़, किनारों को चीरती तेज धार, तहस नहस करती घर बार। हिमाचल में कुल्लू से चंबा तक, सोलन से मंडी तक तबाही ही तबाही है। बादल फटने से पहाड़ों से सैलाब निकल आया, धार ऐसी कि दहाड़ सुनकर किसी के भी होश फाकता हो जाए। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से तबाही फूट पड़ी, जो सामने आया खत्म हो गया, न घर बचा न दुकानें बची, न पुल न किनारा। कुल्लू बस स्टैंड के पास बनी दुकानें देखते ही देखते धार की मार से धराशाही हो गई। लहरों के ऊपर बना पुल कुछ देर तक टिका रहा, लेकिन जब पानी का फुल प्रहार पड़ा तो पुल ने भी दम तोड़ दिया। अब इन तस्वीरों को देखकर कोई बोल सकता है कि यहाँ कभी पंचायत घर था? पानी के गुजर जाने के बाद सिर्फ मलबों का अंबार बचा, एक घर भी जल समाधि हो गया, माँ बेटी घर के साथ बह गई। कुल्लू की तरह चंबा में भी आसमान से आफत बरसी, भरमौर और होली में बादल फटने से रावी नदी भयानक हो गई। चंबा का प्रांगला नाला गरज उठा, खैरियत ये रही कि सैलाब का गुस्सा लोगों पर नहीं उतरा, वरना लहरों के आगे कोई भी नहीं टिकता। प्रशासन फौरन अलर्ट पर आ गया, मणि महेश यात्रा फौरी तौर पर रोक दी गई। सोलन में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि नेशनल हाईवे ही धंस गया। तो ये तो बात हो गई पहाड़ों की, लेकिन देखिए मैदानों में भी बाढ़ और बारिश का कहर है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाके समंदर बन चुके हैं। भोपाल, इंदौर, बैतूल और देवास में नदियां उफान पर हैं, बेकाबू हैं, तो चंद्रपुर और अकोला त्राही माम कर रहे हैं। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं और मैदानों पर नदियां शहरों में सैलाब ला रही हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की इन तस्वीरों में कुदरत के गुस्से की सारी कहानी दर्ज है। देखिए, बोर्ड बचा हुआ है कि पुल कमजोर है, धीरे चलिए, मगर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव चलाने की नौबत है। आलम यह है कि एक दर्जन से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। चंद्रपुर से तेलंगाना का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, अंडरपास पानी में डूब चुके हैं और गांवों का संपर्क कट चुका है। इसी चंद्रपुर की यह दूसरी तस्वीर देखिए, अंतिम यात्रा भी इस कदर पानी में निकली। चंद्रपुर की तरह ही अकोला का हाल है, देखिए पानी किस कदर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। पूर्णा नदी उफान पर है और इलाका पानी पानी। अकोला से अकोट तहसील के 40 गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। पुल के ऊपर करीब 3 फीट पानी बह रहा है। बारिश के वजह से ऐसा नुकसान हो रहा है कि ये नदी पे अभी ये महीने में 3 बार पूरा आ चुके हैं और 3 बार से यहाँ पे किसानों का बहुत नुकसान हो चुका है। 3 बार फसल बो के 3 बार अभी चौथी बारी में फसल बोना पड़ेगा किसान को। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश की हालत देखिए, भारी बारिश ने मध्य प्रदेश के इंदौर को बेहाल कर दिया है। जिधर नजर दौड़ाइए सिर्फ पानी ही नजर आता है। घर डूबे हैं, मकान डूबे हैं, किचन से लेकर बेडरूम तक में पानी है। लोग मुश्किल में हैं कि कहां खाएं और कहां सोएं। इंदौर में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। तालाब और नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी ने डेरा जमा लिया है और लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। दो अलग अलग जगहों पर एक युवक और एक महिला पानी में बह गए।
बचाव दल और एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मोर्चा संभाल रखा है। बैतूल के शाहपुर में बेहिसाब बरसात के बाद रास्तों पर कमर तक पानी भरा है और लोग मजबूरी में एक महिला को इस तरह से खाट पर लादकर अस्पताल ले जा रहे हैं। बैतूल के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल देख लीजिए। भोपाल का पड़रिया जाट गांव टापू बन गया है। 700 लोगों की आबादी वाले इस गांव में लोग अपने घरों में कैद हैं। गांव को जोड़ने वाली सड़क पर नाला बह रहा है। इसी मध्य प्रदेश के दमोह की तस्वीरें देखिए। दमोह के पथरिया में बेहिसाब बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं और रास्तों पर सैलाब है। यहां जिला मुख्यालय से 80 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट चुका है। लोग जिंदगी को दांव पर लगाकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें देवास की हैं। यहाँ काली सिंध नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। यहीं पर लोदरी नदी में कुछ लोग फंस गए जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। देवास शहर में ईट भट्टा क्षेत्र में बाढ़ में फंसे करीब 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ड्रोन से देखने पर मालूम चलता है कि यहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है तो मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत का कहर बरस रहा है। कहीं भीषण बाढ़, कहीं भूस्खलन और कहीं चिंगाड़ती जलधारा। आज तक ब्यूरो।